फर्जी सीबीआई बनकर फॉरेन करेंसी ठगने वाले दो ठग गिरफ्तार। मुंबई के डिंडोसी पुलिस ने ऐसे दो ठगों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी सीबीआई और क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर फॉरेन करेंसी वालों को ठगा करते थे। ठग जस्ट डायल के माध्यम से फॉरेन मनी एक्सचेंज वालों के बारे में जानकारी लेकर उनको मनी एक्सचेंजर को कॉल कर लोगों का तत्काल विदेश जाना है और विदेशी करेंसी चाहिए, करेंसी की होम डिलीवरी गलत पते पर बुलाकर किया करते थे। जो व्यक्ति डिलीवरी करने आता था उसको कार में बिठाकर कहते कि हम सीबीआई वाले हैं, तुम्हारे पास मनी एक्सचेंज करने का लाइसेंस है। दस्तावेज की बात पूछने पर डरा धमका कर फॉरन मनी लेकर फरार हो जाते थे। डिंडोसी पुलिस स्टेशन में 23 फरवरी को ऐसा ही मामला आया जहाँ ठगी फरियादी ने मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर जसडायल से ही फॉरेन मनी एक्सचेंज वालों की जानकारी लेकर पुलिस से बात की कि अगर आपके पास फॉरेन मनी एक्सचेंज की तत्काल डिलीवरी की बात हो तो आपकी आज जानकारी दे दिया जाए। जिसके बाद पुलिस तहकीकात के बाद दोनों ठग को गिरफ्तार किया। दोनों ठग जसडायल के माध्यम से फॉरेन मनी एक्सचेंज वालों के बारे में जानकारी लेकर ठगी किया करते थे। दोनों ठगों पर मुंबई के रेली पुलिस में मामला दर्ज है। आरोपी जेठाराम बुद्धराम माली जो शांता कुंज में रहता है उसके ऊपर 5 मामले और राजकुमार रामबली दुबे को टेप लगाकर गिरफ्तार किया गया है। इनको एक केस का मामला ऐसा है कि कुछ लोग एक जो डॉलर फॉरेन डॉलर जो अमेरिकन डॉलर्स और सिंगापुर डॉलर्स का हेरा फेरी करके लोगों को फंसाते, ऐसा पहले से भी न्यूज़ था और एक आदमी हमारे पास कंप्लेंट देने के लिए आए थे प्रदीप मेंढसुरे करके, उनका हम लोग FIR लिया था 1/2/2019 को 1 फरवरी को, उसमें हम लोग केस रजिस्टर किया था 420 चिटिंग का। उन्होंने ऐसा किया था कि उनको बोला कि हमको अमेरिकन डॉलर्स चाहिए सिंगापुर डॉलर्स चाहिए तो अर्जेंट में चाहिए करके, तो उनको बुला के लिया था और वो लोग ये लोग जो आरोपी लोग हैं वो एक इनोवा गाड़ी में आए थे और उनको डॉलर लेके उनको पुलिस आया करके ऐसा करके भाग गए, जो 4000 अमेरिकन डॉलर और 2000 सिंगापुर डॉलर लेके भाग गए थे। और उसके बारे में केस रजिस्टर करने के बाद में हमारे इंस्पेक्टर पवार PSI पेटकर और डिटेक्शन स्टाफ ने इंक्वायरी चालू किया, टेक्निकल एविडेंस वगैरह जमा करके हम लोग पहले कार का जो ड्राइवर है उनको ताबे में लिया और उनके इंक्वायरी के थ्रू बाकी के जो दो आरोपी और थे उनको गिरफ्तार किया है और उन लोगों से डॉलर और अमेरिकन डॉलर और सिंगापुर डॉलर जमा किया है और वो जो गुन्हे में वापरा था इनोवा गाड़ी भी जब्त किया है। जो आरोपी है इसमें का एक आरोपी जो है एक कुरला में रहता है और दूसरा जो है वो चेंबूर में रहते हैं और वो इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि ये लोग चोरी करता है, पहले मोबाइल चोरी का मोबाइल लेते हैं और वो दूसरे को बेचते हैं, उसमें का सिम कार्ड जो है वो अपने पास रख के दूसरे का डुप्लीकेट मोबाइल लेके उसमें डाल के जस्ट डायल कंपनी को कॉल करके उसमें से गाड़ियां मंगाते हैं या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज करने वाले जो ऑफिस रहते शॉप्स रहते उनका इंफॉर्मेशन निकाल के ये अपना चीटिंग कर लेते हैं।